नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एवं सूरज शर्मा एक बार फिर सभी का वापस से स्वागत करता हूं आज क्लास में दोस्तों, जिसका नाम है डीजे सर क्लासेस। दोस्तों, अपन बातें कर रहे थे रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग के बारे में आपसे आपने इससे पहले जो आप चैप्टर कंप्लीट किया है दैट इज साइन कंक्लूजन, चिन्ह निष्कर्ष इससे पहले आपने कंप्लीट किया है। और दोस्तों, आज आप पढ़ने के वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं कोई एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक आप आज कवर करने वाले हैं। लेकिन चैप्टर की शुरुआत करने से पहले, अगर आपने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप सबसे पहले क्लास को जाके विजिट कर सकते हैं। उसके बाद एप पर पढ़ रहे मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं उनका भी मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। अगर वो अपनी तैयारी को और बेहतरीन और मजबूत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उनको गूगल प्ले स्टोर से सबसे पहले डीजे सर क्लासेज उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। वहां से फिर उनको टेस्ट वन सब्सक्राइब करना पड़ेगा। टेस्ट वन सब्सक्राइब करने से होगा क्या, वहां पर आप हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग आप टेस्ट लगा सकते हैं, अपनी तैयारी को और बेहतरीन और मजबूत बना सकते हैं। तो ये थी दोस्तों कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन और क्लास के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है। और क्लास की शुरुआत करते हैं। आज क्लास की शुरुआत में सर आज पढ़ने के वाले हैं, आज पढ़ने वाले हैं एनालॉजी। एनालॉजी आपने क्वेश्चन देखे होंगे, हर एक एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। लाइक मैं रेलवे की बात करूँ, रेलवे अगर मैं NTPC ग्रुप डी या टेक्निकल की या JEE की बात करूँ रेलवे के अंदर, तो सभी परीक्षाओं में एनालॉजी को हिंदी में दोस्तों समानता बोला जाता है। इससे इस चैप्टर के रिगार्डिंग या इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे SSC का हो चाहे बैंक का हो। तो एनालॉजी को आज पढ़ने वाले हैं। लेकिन क्लास की शुरुआत करने से पहले, क्लास की शुरुआत करते ही मोटिवेशनल कोट के साथ। दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल कोट रहने वाला है वो क्या है अपना, जो लोग अपनी किस्मत को पसीने की स्याही से लिखते हैं, जो लोग अपनी किस्मत को पसीने की स्याही से लिखते हैं दोस्तों, उनके इरादे कभी भी कमज़ोर नहीं होते, उनके इरादे कभी भी कमज़ोर नहीं होते, और जो उनके मुकद्दर का जो पन्ना है दोस्तों वो कभी कोरा नहीं होता। कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है, अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर मीन सफल होना है या आपको उसमें सफलता हासिल करनी है तो आपको अपनी तैयारी इतनी अच्छी रखनी होगी, मेहनत के साथ आपको तैयारी करनी होगी। तो यकीनन मानिए कहीं ना किसी रूप में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये था आज का मोटिवेशनल कोट, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो क्लास की शुरुआत आज करते हैं एक टॉपिक से जिसका नाम है एनालॉजी। एनालॉजी आज पढ़ने वाले हैं। एनालॉजी को दोस्तों हिंदी में क्या बोला जाता है, समानता बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समानता, यानी कि आज या इसको सादृश्यता भी बोला जाता है। देखो इससे किस प्रकार के क्वेश्चन अपने से पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको सारे टॉपिक आने चाहिए रीजनिंग के अंदर, चाहे इससे क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से पूछा जा सकता है आपका। चाहे मैं बात करूँ इंग्लिश से, बात करूँ GK से, बात करूँ साइंस से, बात करूँ अपने आसपास के जितने भी एनवायरनमेंट में जितने भी एनिमल्स हैं या जितने भी पेड़ पौधे हैं उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंग्लिश की ग्रामर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्लावर फ्रूट इन सभी से क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। तो आपको सब ये आना चाहिए। कंट्रीज से, उनकी कैपिटल से, सभी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो समानता होती क्या है, समानता होती है कि जैसे मान लीजिए आपकी कोई ए वस्तु है, अगर वो बी वस्तु से किसी रेशो से क्या है, समानता रखती है, ए बी से किसी प्रकार समानता रखती है, तो आपका सी ऑब्जेक्ट भी डी से क्या करेगा, सेम रूल्स या रेगुलेशन से समानता रखेगी। अपने को इस क्वेश्चन में करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इट मींस लाइक जैसे कि मैं एक एग्जांपल से लूं, जैसे कि शेर मैंने लिख दिया, शेर को लिख दिया मैंने शावर।
शेर, शेर मैंने लिया, शेर को मैंने लिख दिया शावर, और यहाँ लिख दिया मैंने मुर्गी, क्या लिख दिया मुर्गी, और यहाँ लगा दिया मैंने क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। शेर के बच्चे को शावक बोला जाता है, तो अपने आप में आप समझ पा रहे होंगे या देख पा रहे होंगे कि शेर शावक से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है शेर का जो बच्चा होता है उसको शावक बोला जाता है, तो सेम वे में या सेम प्रकार से मुर्गी का जो बच्चा होगा उसको क्या बोलेंगे, इस प्रकार से आपके पास क्वेश्चन आने वाले हैं। तो मुर्गी का जो बच्चा होगा अपना उसको क्या बोलेंगे, चूजा, क्या बोलते हैं, चूजा बोलते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चूजा। तो इसी प्रकार से और भी कैटेगरीज ऐसी बहुत सारी जिससे इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो आइएगा क्वेश्चन या इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। इसमें कोई थ्योरी नहीं है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन से करेंगे। जो थ्योरी थी मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार से इसकी थ्योरी है, ए और बी वस्तुएं एक दूसरे से जिस प्रकार संबंधित हो तो सी और डी भी उसी प्रकार से रिलेटेड होने वाली है अपने पास, तो उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला प्रश्न रहने वाला है, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। पहला पहला है आपका पेचकस, पेचकस पहला क्वेश्चन है, पेचकस, पेचकस का काम क्या होता है, पेच कसना, क्या काम होता है दोस्तों, पेच कसना। फिर आपका ये जो साइन है समानुपात का साइन है दोस्तों। फिर इसके बाद आपसे पूछा गया है रबड़, और क्वेश्चन मार्क आपको दे दिया गया है। तो जो पेचकस का जो काम होता है पेच कसने का, चलो मुझे बताइए रबड़, अब रबड़ यहाँ पर आपको ऑप्शन से देखना है कि रबड़ का काम क्या होता है। अगर ऑप्शन में मिटाना हो तो मिटाना करेंगे, रबड़ का काम बांधने का हो तो आप बांधना करेंगे, तो डिपेंड करता है ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है। अभी फिलहाल के लिए रबड़ का जो मेन काम है, अगर स्टडी की बात करें या पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड की बात करें, तो रबड़ का जो मेन काम होता है दोस्तों मिटाने का काम होता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, मिटाना, क्या आंसर करेंगे आप, मिटाना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिटाना। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन किससे आ रहा है, जो ये जो है दोस्तों वस्तु और उनके उपयोग से है, किससे है, वस्तु और उनके उपयोग से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहा है जंतु और वर्ग से ले लेते हैं, जंतु और वर्ग से ले लेते हैं, जैसे मानव है, मानव को किसमें रखा जाता है दोस्तों, स्तनधारी में रखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं सर, क्या पूछ रहे हैं, सर, और है क्वेश्चन मार्क। तो सर्प यानी कि सांप, सांप को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है दोस्तों, सांप को जो कैटेगरी में रखा जाता है उसको बोलते हैं रेप्टाइल, रेप्टाइल इंडस्ट्री यानी किसको बोलेंगे, सरीसृप, क्या बोलेंगे, सरीसृप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरीसृप इसका आंसर है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, इसी से ले लेते हैं, जैसे कि अपनी ने औजार से ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन औजार से ले लेते हैं, जैसे नाई है, नाई का औजार क्या होता है, उस्त्रा, क्या होता है, उस्त्रा इसका क्या होता है दोस्तों, औजार होता है। तो उसी प्रकार से आपको लकड़हारा, लकड़हारा है और क्वेश्चन मार गया आपके पास, तो इसका औजार क्या होगा, लकड़हारा है इसका औजार क्या होगा, इसका औजार रहेगा कुल्हाड़ी, क्या रहेगा, कुल्हाड़ी इसका क्या रहेगा, औजार रहेगा, ये आपका आंसर है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, अपन ने क्या दिए थे यार, उनके उपयोगकर्ता और उनके औजार दे दिए। उसके बाद देखते हैं कि उनके प्रोफेशन से देख लेते हैं, जैसे कि नेक्स्ट है शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक का कार्यस्थल बताइए, शिक्षक का कार्यस्थल होगा विद्यालय, शिक्षक का कार्यस्थल होगा विद्यालय, तो आपको बताना है डॉक्टर, डॉक्टर का कार्यस्थल क्या होगा दोस्तों, डॉक्टर का जो कार्यस्थल होगा, डॉक्टर का कार्यस्थल होता है क्या, अस्पताल, कौन सा, अस्पताल,
ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मजदूर है इसका आंसर होगा अभिनेता। अभिनेता जो अभिनय करता है उस कार्यस्थल को क्या बोला जाता है साथियों, उस कार्यस्थल को बोला जाता है स्टेज यानी कि मंच। क्या बोलेंगे उसको, मंच। ये इसका आंसर हो गया। तो आप देखिए दोस्तों, सभी क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी से हैं। ये है अपना औजार से, ये है अपना उनकी प्रजाति से, वो किसमें हैं, दूसरा है उनके जो औजार हैं उससे, तीसरा है कार्य उपयोगकर्ता और कार्यस्थल, फिफ्थ क्वेश्चन है अपना, फोर्थ क्वेश्चन है उसी की तरह ही है। तो अलग अलग कैटेगरी में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं कि और किस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, इसमें आइएगा। पांचवें क्वेश्चन के बाद सिक्स्थ क्वेश्चन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है अपना, कवि कविता, तो लेखक क्या है, कवि कविता लिखता है तो लेखक क्या लिखता है, बताइए लेखक क्या करेगा। राइटर का काम क्या होता है, राइटर का काम लिखने का होता है। क्या लिखने का होता है, पुस्तक लिखने का होता है। क्या होता है, पुस्तक लिखने का काम होता है साथियों इसका। तो कवि कविता लेखक का काम क्या होगा, लेखक का काम होगा अपना पुस्तक लिखने का। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा पुस्तक। पुस्तक क्या है, इसका आंसर है। आपको क्वेश्चन ऐसे लिखना है। उसके बाद है सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा किससे पूछा जा रहा है। ईट से आप बना रहे हैं दीवार, ईट है और उसके सामने आपसे लिखा हुआ है दीवार। आगे लिख दिया लकड़ी, क्या लिख दिया, लकड़ी। और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आप खुद बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है साथियों। इसका आंसर निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जो ईंट होती है कच्चा माल है, ईंट का यूज दीवार बनाने के लिए होता है, तो उसी प्रकार से लकड़ी क्या है, रॉ मटेरियल है। तो लकड़ी का यूज किस लिए करते हैं आप, गेट बनाने के लिए, खिड़कियां बनाने के लिए, दरवाजे बनाने के लिए, पलंग बनाने के लिए, सभी चीजें जो आप बना रहे हैं लकड़ी से ही बना रहे हैं। तो लकड़ी से क्या बनाया जा सकता है, फर्नीचर। क्या बनाया जा सकता है दोस्तों, फर्नीचर। इसका आंसर क्या होगा, फर्नीचर। क्या आंसर होगा इसका, फर्नीचर। आगे चलते हैं, एट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसे आगे चलते हैं, कुछ जानवर हैं उनकी बोलियां हैं, जैसे शेर दहाड़ता है तो गधा क्या करेगा, शेर दहाड़ना, तो गधा लिख दिया आपको और क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि जैसे शेर संबंधित है, शेर किससे संबंधित है, शेर संबंधित है दहाड़ना से। उसके बाद गधा क्या है, गधा किससे संबंधित होगा, तो गधा से संबंधित आपको आंसर निकालने के लिए गधा की बोली क्या होती है, आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ बोली दी गई है, जानवरों की बोली दी गई है। तो जानवरों की बोली दी गई है तो गधे की बोली क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं, रेखना। क्या करना, रेखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेखना इसका आंसर हो जाएगा।
के बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछा जा रहा है आगे देखिएगा। आपसे आगे पूछा जा रहा है जैसे कि आपका सिडनी जो है कहां है, सिडनी जो है आपको दे दिया गया है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया सिडनी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपको आगे क्या दिए, दिल्ली पर क्वेश्चन मार्क आपसे लगा दिया गया है। तो आप सभी जानते हैं दिल्ली कहाँ है, दिल्ली भारत में है, दिल्ली कहाँ है सिडनी ऑस्ट्रेलिया की कोई जगह है, तो दिल्ली क्या है, दिल्ली किसके अंदर है, भारत। तो इसका आंसर क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि आप साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ सिस्मोग्राफ ये इससे क्या किया जाता है दोस्तों, इससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता। तो आप ले लीजिए अमीटर, क्या ले लीजिए अमीटर। इसका यूज किस लिए होगा, इसका यूज किसको मेजर करने के लिए होने वाला है, आप देखेंगे कि सिस्मोग्राफ क्या करता है। सिस्मोग्राफ में भूकंप की तीव्रता यानी उसकी इंटेंसिटी का पता लगाया जाता है। तो सेम तरीके से आपको अमीटर को मेजर करना है दोस्तों, तो आप कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे, आप इंस्ट्रूमेंट का यूज करेंगे अमीटर को मेजर करने के लिए, विद्युत धारा। अमीटर यानी कि सिस्मोग्राफ आपका यूज आता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। तो अमीटर किसको यूज में आएगा, अमीटर यूज आएगा करंट यानी विद्युत धारा, विद्युत धारा यूज में आएगा। तो आपने देखा यहाँ अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा इस वाले चैप्टर में कि, और इसका क्वेश्चन आता ही आता है। और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसमें अल्फाबेट टेस्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी अल्फाबेट से और नंबर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी सिर्फ मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको जो जर्नली जनरल साइंस से रिलेटेड आपसे पूछे जा रहे हैं, फिर मैं उन पे भी आऊंगा। जैसे कि आगे चलिए, भारत का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 11। भारत का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों वो है अशोक चक्र। तो आपको बताना है जर्मनी का प्रतीक चिन्ह क्या होगा, आपको बताना है जर्मनी का प्रतीक चिन्ह क्या होगा दोस्तों। जर्मनी का जो प्रतीक चिन्ह होता है देख लीजिए, जर्मनी का प्रतीक चिन्ह होता है ईगल, क्या होता है ईगल, ये इसका आंसर होता है। आगे देखिएगा, आगे आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि बात करूं मैं इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्रिकेट। आपको बताना है भारत, इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्रिकेट है, तो भारत का राष्ट्रीय खेल क्या होगा, सबको पता है भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, क्या है हॉकी। क्रिकेट पर बता दे रहा हॉकी है, ज्यादा लोकप्रिय कौन सा खेल है भारत में, क्रिकेट, लेकिन राष्ट्रीय खेल कौन सा है हॉकी। अगर लोकप्रिय की बात करें तो क्रिकेट सब जगह लोकप्रिय है, भारत में आप देखे होंगे सभी जगह क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है, लेकिन भारत का अगर राष्ट्रीय खेल की मैं बात करूं तो क्या है हॉकी है। तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, हॉकी होगा। तो ये
क्या है, क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं जो पूछे जा सकते हैं। अब आइए इसके सेकंड हाफ पे आते हैं कि सेकंड पार्ट में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये इसका पार्ट ए है, ये वाला जो था पूरा पार्ट ए करके आप मेंशन कर सकते हैं। अब इसके पार्ट बी पे आते हैं कि पार्ट बी में किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछने का तरीका है। अब पार्ट बी में आपको देखो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पार्ट सी में आपसे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पार्ट बी के अंदर अपन करने वाले हैं, पहला क्वेश्चन करने वाले हैं अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, पहला क्वेश्चन ले लीजिए आप, डी संबंधित है बी से, समानुपात आई संबंधित है सी से, समानुपात पी संबंधित है डी से, पी संबंधित है डी से, तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आपको निकालना है। नेक्स्ट यानी इन द सेंस समानुपात के बाद आपको क्या मिलेंगे, दो ही नंबर आपको निकालने हैं। तो देखिए क्या आंसर हो सकता है, यहां से आपका क्या आंसर हो सकता है। आप देख रहे होंगे 9, 3, 16 और 4, तो नेक्स्ट क्या होगा बताइए, ऑप्शन दे दो आपको। तो देखिए ऑप्शन क्या होंगे इसके, इसके ये ऑप्शन है अपना ऑप्शन है Z E, बी ऑप्शन है अपना XE, सी ऑप्शन है अपना YE और डी ऑप्शन है अपना A। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं साथियों, तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार से संबंधित होंगे। आप D से B पे गए, कितना माइनस, -2 जा रहे हैं, 9 से 3 पे गए -6 जा रहे हैं, 16 से 4 पे गए -12 है, ये तरीका भी देख सकते हैं आप। और क्या देख सकते हैं, 4 है इसका नंबर, D का नंबर कितना होता है 4, B का नंबर 2, इसका नंबर 9, इसका नंबर 3, इसका नंबर कितना है 16, इसका नंबर है 4। तो आप देख रहे होंगे इसके क्या है, ये इससे दोगुना है, ये इससे तीन गुना है, ये इससे चार गुना है, तो आने वाला क्या होगा 5 गुना होगा, आने वाला क्या होगा 5 गुना होगा, तो आने वाला 5 गुना होगा, तो कौन सा आंसर हो सकता है, यानी यहाँ आएगा E 5 और इसका 5 गुना कितना 25, तो 25 पे क्या होता है Y, तो आंसर क्या होगा Y, जो कि क्या होगा सी ऑप्शन अपना सही आंसर रहने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और जाते रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना जैसे है FIG रेशो, FIG रेशो इसको लिख रहे हैं EGH JFH JFH समानुपात BIN और आपको लाना है इधर, कौन सा नंबर आएगा, आपको ये दे दिया गया है। चलिए इसको पता करते हैं कैसे निकालेंगे, कैसे करना है। 3 लेटर थे, 6 लेटर बन गए, तो इस 3 लेटर से भी 6 लेटर बनेंगे, 3 लेटर से भी 6 लेटर बनेंगे, लेकिन किसी सिंगल लेटर को डबल लेटर करके लिखा गया है साथियों। एफ को जो लिखा गया है आप देख लीजिए, एफ को जो लिखा गया है कैसे लिखा गया है -1 और +1, आई को जो लिखा गया है -1 +1, जी को जो लिखा गया है -1 और +1 करके लिखा गया है। तो सेम तरीके से बी को भी कैसे लिखेंगे, डबल लेटर में लिखेंगे। जब बी को डबल लेटर में लिखेंगे तो बी का -1 करेंगे तो क्या आएगा ए, बी का +1 करेंगे तो क्या आएगा सी, आई का -1 करेंगे तो एच और आई का +1 करेंगे तो जे, एन का -1 करेंगे तो एम और एन का +1 करेंगे तो ओ। तो आंसर क्या हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ए सी एच जे एम ओ, ये इसका क्या होगा बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है।
तो आप ध्यान रखिएगा, लेटर रिलेटेड क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जा रहा है आपसे। डी एफ एच जे रिलेटेड है अपना डब्ल्यू यू एस क्यू सवाल पर आपको करना है एच जे एल एन। ये कैसा आंसर मिलेगा अपने को, इसको आपको निकालना है। देखो इसको करने के लिए आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं, थोड़ा सा आप खुद कोशिश करिए कि इसको किस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहां देखते हैं, एक एक में देखते हैं। डी से डब्ल्यू, एफ से यू, देख रहे हैं, एच से एस, जे से क्यू, तो इसका आंसर क्या होगा? आप देख रहे हैं दोस्तों, एक बार नोटिस कर रहे हैं, इसमें चल क्या रहा है, इसमें चल रहा है अपना रूल नंबर 27। आपने अल्फाबेट पढ़ा होगा, कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी होगी, तब आप, मैंने बताया था रूल नंबर 27। रूल नंबर 27 क्या होता है कि ऐसे दो अल्फाबेट जिनका सम अगर 27 बन जाए, दैट इज कॉल्ड रूल नंबर 27। तो डी और डब्ल्यू का सम कितना बन रहा है 27, एफ और यू का भी सम कितना बन रहा है 27, एच और एस का भी सम कितना बन रहा है 27, और एच जे और यू का भी सम कितना बन रहा है 27। तो एच के साथ में ऐसा कौन सा लेटर आएगा जो 27 बनाएगा? बिल्कुल एस आएगा। उसके साथ जे के साथ क्या आएगा? क्यू आएगा। एल के साथ क्या आएगा? एल कितने बनता है 12 पे, 12 पे 15 ऐड करेंगे ओ आएगा। उसके बाद एन के बाद क्या आएगा? एन 13 पे आता है तो क्या, एन 14 पे आता है, तो इसका 27 बनाने वाला पेयर कौन सा होगा? एम होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एस क्यू ओ एम, एस क्यू ओ एम इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों। तो इस प्रकार से आपसे अल्फाबेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन और देख लेते हैं अल्फाबेट में कि किस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद नंबर्स पे आएंगे कि नंबर्स की एनालॉजी किस प्रकार से देखी जाती है। ये अल्फाबेट की एनालॉजी है, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ADDIH और आपको निकालना है इसके बाद में आने वाले दोनों नंबर, इसके बाद में आने वाले दोनों नंबर्स आपको निकालने हैं। देखो कैसे करेंगे, किस प्रकार से इसको करने वाले हैं। ऑप्शन दे दूं आपको, ऑप्शन किस प्रकार से करेंगे आप? चलो पहला ऑप्शन ले लो आप, FB NF। बी ऑप्शन है अपना GHOF। सी ऑप्शन है अपना RUUS और डी ऑप्शन देख लीजिए, डी ऑप्शन क्या है इसका? डी ऑप्शन है CKJP। इसको देखिए कैसे करेंगे। पहले तो इन दोनों का पता लगाइए कि इन दोनों में चल क्या रहा है। इन दोनों में चल रहा है अपना, अगर आप ऐसे आई पे आए हैं तो कितना प्लस 8 हो गया है, डी से एच पे आए हैं तो प्लस 4 हो गया है। बस ऐसे दो नंबर देख लीजिए जिसमें प्लस 8 प्लस 4 हो रहा हो, प्लस 8 प्लस 4 जैसे कि 6 से आप इस पे आ गए, 14 पे आ गए, तो प्लस 8 हो रहा है। जी हाँ, यहाँ क्या हो रहा है? प्लस 4 हो रहा है। तो यही अपना आंसर है। इसमें देखिए एच से आप गए, 7 से आप गए 15 पर, प्लस 8 तो हो रहा है। इसमें एच से 8 से कहाँ जा रहे हैं आप? प्लस 5 जा रहे हैं, तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए 18 से यू पे जा रहे हैं, 18 और 3 21 होते हैं, ये प्लस 3 है नहीं चलेगा। तो देखिए सी से जा रहे हैं आप, 3 से जा रहे हैं 7 पे, यानी प्लस 4 जा रहे हैं तो ये हो नहीं सकता, प्लस 8 प्लस 4 होना चाहिए, प्लस 8 प्लस 4 है, जो कि किसमें है? ए ऑप्शन में ही है। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। और देखिए और किस तरीके के क्वेश्चन पूछे
जा सकते हैं। वही तरह के तरीका है दोस्तों इनको करने का, करने का सिर्फ एक ही तरीका है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है m अपॉन ac रेशो n अपॉन nd n अपॉन ad और आपसे बोला गया है o a e और यहां क्या आएगा दोस्तों, यहां क्या आने वाला है देखो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को इजी है, m से आप n पे गए प्लस 1 तो O से आप इस पे जाएंगे प्लस 1 करके क्या आ जाएगा P, ऊपर वाला लेटर तो आ गया, नीचे वाला देखिए A A A तो यहाँ भी ये आएगा, उसके बाद C D E और F तो आंसर क्या आ जाएगा P अपॉन A F, ये इसका आंसर होने वाला है। तो आपने देखा कि जनरल साइंस से किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और अल्फाबेट से किस प्रकार के अपने पास क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखते हैं नंबर्स की एनालॉजी किस प्रकार से रहने वाली है, पार्ट सी इसका देखिए आप कि पार्ट सी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नंबर्स की एनालॉजी करने के लिए आपको वही, अगर आपने सीरीज पढ़ी है मैथ तो सीरीज के अंदर आपने देखा होगा कि किस प्रकार सीरीज को सोल्व किया जाता है, तो उसी प्रकार से किसी नंबर्स की एनालॉजी अपने को देखनी है। पार्ट सी के अंदर, पार्ट सी के अंदर पहला क्वेश्चन आप देखिए कि पार्ट सी के अंदर कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया 417 दे दिया और 7 क्वेश्चन मार्क दे दिया, साथ में 7 क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, देख लो ऑप्शन क्या है, 49, 48, 49, 48, 51 और 50 ये आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक आंसर अपने को करना है। तो कैसे करेंगे, पहले तो 4 से 17 लाइए आप, 4 से 17 कैसे ला सकते हैं, प्लस 11 करके या प्लस 13 करके, प्लस 13 करेंगे तो 17 आ जाएगा, क्या 7 में प्लस 13 करेंगे तो इनमें से कोई आंसर मैच हो रहा है, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, डिपेंड करता है कि ऑप्शन में अपने को क्या दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन के थ्रू ही कर सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप दिमाग लगा रहे हो, 4 से 17 ला रहे हैं तो 4 से 17 कैसे आ सकता है, एक ही कंडीशन में आ सकता है जब आप 4 का स्क्वायर में प्लस 1 ऐड करके तो 17 आ रहा है, जब 7 के स्क्वायर में आप प्लस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 50, इसका आंसर बिल्कुल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है नंबर्स के रिगार्डिंग, तो नंबर्स के रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है 950 यहां आपको निकालना है, 950 दिया हुआ है आपको, ऑप्शन भी दिए गए हैं 20 110 ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है 20 105, सी ऑप्शन है 10 120 और डी ऑप्शन है 6 और 45। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इन चारों में से कोई एक आंसर अपना आने वाला है, इन चारों में से एक आंसर लाने के लिए सबसे पहले तो आप 950 को सॉल्व करके देखिए कि 950 में किस प्रकार से सॉल्व किया गया है। 950 को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो 950 लाने के लिए आपको कोई ना कोई चीज करनी पड़ेगी, तो 9 × 5 करेंगे कितना आ रहा है 45, लेकिन इसमें 5 ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 50 मिल जाएगा। क्या ये चीज इनमें भी लग रही है क्या, अगर किसी एक में लग रही होगी तो सेम रूल फॉलो करेगा, समानता यही होती है, मैंने यही बताया है कि ए और बी जिस रूल्स से या जिस फॉर्मेट से संबंधित है साथियों, तो उसी तरह से नेक्स्ट अगले वाला नंबर रिलेटेड होता है अपना। तो यहाँ देखिए 9 × 5 आपने किया 45 मिला, 45 में 5 ऐड किया कितना मिल गया दोस्तों 50 मिल गया। इनको चेक करते हैं, क्या 20 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 100 मिलता है क्या, उसमें 5 ऐड करने पर 105 आ रहा है क्या, नहीं 110 आ रहा है, तो ए वाला नहीं होगा, फिर 105 किस में आ रहा है, बी वाले में आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना बी वाला हो जाएगा। इनको भी चेक कर लो, 10 × 5 करते हैं 50 में 5 ऐड करते हैं 55 होता है, नहीं होगा, 6 × 5 करते हैं और 5 ऐड करते हैं तो 35 होता है, 45 आ रहा है, नहीं होगा, केवल एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जो इस वाले
फॉर्मेट को रूल्स को फॉलो करेगा, जो कि कौन सा होगा, बी वाला। तो इस आंसर, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी अपना आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं, मैं रफ कर दिया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसको ऑप्शन देख लीजिए, 53, 46, दूसरा ऑप्शन है 97, 86, सी ऑप्शन है अपना 79, 86। तो एक बात देखें, यहां आपको बड़े नंबर से छोटा नंबर मिल रहा है, तो क्या सीओडी अपने ऑप्शन हो सकते हैं, क्या अपने आंसर हो सकते हैं? कि आपकी माइंड में ये क्वेश्चन बिल्कुल हिट करना चाहिए कि आप बड़े नंबर से छोटा नंबर ला रहे हैं, तो क्या ये छोटे नंबर से बड़ा नंबर पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, तो सबसे पहले तो इनको हटा दो। वैसे ही दो ऑप्शन में से एक आंसर होने वाला है। देखो अब इनका क्या करो, डिफरेंस निकाल लो, 1 और 1, 11 का डिफरेंस है साथ में, कितने का डिफरेंस है, 11 का यहाँ पर डिफरेंस है, जिसमें 11 का डिफरेंस होगा ये अपना आंसर होगा। इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है, इसमें तो 7 का डिफरेंस है, इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है, तो कौन सा आंसर होगा, बी वाला अपना आंसर हो जाएगा। अगला वाला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, 10, 101, 20, 10, 101 और है 20, यहाँ क्या आएगा, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है अपने 200, ए ऑप्शन है 200, बी ऑप्शन है अपना 201, सी ऑप्शन है अपना 400 और डी ऑप्शन है अपना 400। चलो क्या आंसर आएगा, ए बी सी एंड डी, ये चार ऑप्शन है, क्वेश्चन मैंने दे दिया, 10, 101, 20 क्या आएगा, 10 से 101 लाना है साथियों, 10 से 101 लाना है। तो दो तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है, दो आंसर इसके पॉसिबल है, अलग अलग आंसर इसके पॉसिबल है, लेकिन आपको आंसर कौन सा करना है, आपको आंसर वो करना है जो आपके ऑप्शन में सही आ रहा हो, वो आपको आंसर करना है। तो देखिएगा 10 × 10 कितना हो गया, 100 में प्लस 1 करेंगे 101, क्या 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 में प्लस 1 करेंगे तो 201, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 201 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस नंबर एनालॉजी में जो आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को करने और सीखने के लिए साथियों में आपसे एक बार फिर बता दूं कि उन क्वेश्चन को करने और सीखने के लिए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन और मजबूत बनाने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले डीजे सर क्लासेस ऐप आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। और मिलेगा कहाँ, सबके मोबाइल में, सबके सेल में या मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर होगा, उस गूगल प्ले स्टोर नाम के ऐप को आपको क्या करना है, सर्च करना है, सर्च का आपको करना है डीजे सर क्लासेस कोटा। ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप सबसे पहले अपने नंबर से रजिस्टर्ड हो जाइए, रजिस्टर्ड होने के बाद आपको स्टोर पे जाकर टेस्ट पर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फटाफट से आज आपको यही काम करना है जाते। इसके बाद आपको सब्सक्राइब करने पर आपको अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे आपका कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सभी में आपसे क्वेश्चन पेपर निकल के आ जाएंगे और उन क्वेश्चन पेपर की आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, आई होप आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, एनालॉजी आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। जो भी आपको डाउट है या जो भी इसके रिगार्डिंग आपकी क्वेरीज है, आप उन क्वेरीज को टेस्ट वन पे आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपसे बार बार टेस्ट वन के लिए आपसे क्यों फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि सारी क्वेरीज आप वहीं आप सॉल्व कर सकते हैं। तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिए। आज की ये क्लास थी, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ, जो अपन कल करने वाले हैं, कल पढ़ने वाले हैं कोई नया चैप्टर इसके रिगार्डिंग। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने वाला है, आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।